हाय गाइस, मैं नमन नाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जिस मोबाइल का बूटलोडर लॉक है तो उसे बूटलोडर आप अनलॉक कैसे कर सकते हैं और उसका जो FRP आप रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पे फोन देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये GB का फोन है, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यू फोन है और इस मोबाइल में जो है FRP लॉक है। तो दोस्तों, इस मोबाइल का FRP अनलॉक करने के लिए आपको इसका बूटलोडर अनलॉक करना होगा, ठीक है। तो इस मोबाइल का FRP अनलॉक हम करेंगे UMT डोंगल से। तो दोस्तों, पहले आप यहाँ पर देख लें इस मोबाइल के अंदर में जो है FRP लॉक है, इसका हम यहाँ पर सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है आगे हमको ये जाने के लिए नहीं देगा। चलिए, हम आपको ये पूरी तरह से दिखा देते हैं, पहले आप देख लें और समझ लें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो फ़ोन है ये फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन है और इसका जो बैटरी है बिल्कुल फिक्स बैटरी है इसका बैटरी आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस मोबाइल का FRP हम अनलॉक करेंगे UMT डोंगल से। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो पूरा देखना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस मोबाइल को बूट कैसे करना है। तो बूट कराने के लिए आपको सिंपली आपको इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है और स्विच ऑफ कर देने के बाद इस मोबाइल का जो वॉल्यूम माइनस है और पावर की है, इन दोनों को आपको एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद इसमें रिकवरी मोड आ जाएगा और रिकवरी मोड जब आ जाएगा इस मोबाइल के अंदर में, उसके बाद आपको वहाँ पे जो है रिबूट टू बूट लोडर को आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है और इसमें आपका फास्ट बूट आ जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं अल्टीमेट मल्टी टूल डोंगल का ये टूल है। तो चलिए दोस्तों, इस टूल को सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। इस टूल को ओपन करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस मोबाइल का बूटलोडर हम कैसे अनलॉक करना है और कैसे इसका FRP हमें रीसेट करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो टूल है हमारा ओपन हो चुका है। चलिए, इसमें पहले हम जो यहाँ पे मिसलेनियस टूल को हम पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद जब ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हमें मोबाइल को बूट कराना है। तो मोबाइल को बूट कराने के लिए चलिए हम आपको मोबाइल का भी वीडियो यहाँ पे दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल है और इस मोबाइल को हमने स्विच ऑफ करके रखा है और इस मोबाइल का जो है वॉल्यूम माइनस और पावर की को हमें एक साथ दबाना है और कुछ देर आपको दबा के रखना है। कुछ देर दबाने के बाद ऑटोमेटिकली जैसे ये मोबाइल ऑन होने लगेगा तो उसके बाद आपको पावर की को जो है छोड़ देना है और वॉल्यूम माइनस को कंटिन्यू आपको दबा के ही रखना है जब तक इसका रिकवरी मोड ना आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि रिकवरी मोड आ चुका है और इसमें हमें जो है बूट लोडर को सिलेक्ट करना है। तो यहां पे लिखा हुआ है रिबूट टू बूट लोडर, इसी को हमें सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के लिए हमें जो है पावर बटन को प्रेस करना होगा और ऑटोमेटिकली जो है वो बूट लोडर जो है सिलेक्ट हो जाएगा और ये मोबाइल जो है फास्ट बूट मोड में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमें इसमें डाटा केबल लगा देना है। उसके बाद अपने कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में हमें देख लेना है कि हमारे डिवाइस मैनेजर में जो है इसका फास्ट बूट मोड जो है वो आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आता तो यहाँ पे आपको एक बार स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद जो है आप फिर से दोबारा आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है एंड्रॉयड ADB जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप यहाँ आपको शो करेगा। अगर इसका ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा तो आप ADB ड्राइवर जो है इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर में। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है फास्ट बूट मोड का जो ड्राइवर यहाँ पे ले चुका है और अपडेट है ये और यहाँ पे दिखा रहा है हमारे डिवाइस मैनेजर में। उसके बाद हम इस मोबाइल का जो है अभी बूट लोडर अनलॉक करेंगे पहले, फिर इसका FRP हम रीसेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि बूट लोडर पे हमने चेक लगाया हुआ है। तो यहाँ पे बूट लोडर पे चेक लगा हुआ है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसका बूट लोडर को जो है ये अनलॉक कर देगा। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं इसका बूट लोडर जो है लॉक था और इसे हम अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ये बूट लोडर अनलॉक होगा तो नीचे में यहां पे जो है ब्लैक अक्षर में ये लिखेगा कि बूट लोडर अनलॉक डन। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं ये लिख चुका है बूट लोडर अनलॉक डन। तो इसका मतलब हमारा बूट लोडर जो है अनलॉक हो चुका है।
अब हमें इसमें जो है करना क्या है कि इसका FRP रीसेट करना है। तो FRP रीसेट करने के लिए यहाँ पे SPD FRP रीसेट है, तो आप यहाँ पे इसका SPD FRP रीसेट पे हमने चेक लगा दिया है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये यह इसका FRP रीसेट करेगा या नहीं, तो ये खुद यहाँ पे लिख देगा कि इसका FRP रीसेट हुआ कि नहीं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका FRP रीसेट हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे लिख चुका है कि रिमूव FRP लॉक डन, ठीक है, यहाँ पे FRP रीसेट ये दिखा रहा है। तो चलिए अब हम उस मोबाइल को देख लेते हैं कि इसका मोबाइल का जो FRP अनलॉक हुआ है कि नहीं। तो मोबाइल को पहले हमें ऑफ करना होगा, तो ऑफ करने के लिए वॉल्यूम माइनस और पावर की को कुछ देर कंटिन्यू दबा के रखना होगा, मोबाइल ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हमें उस मोबाइल को ऑन करके देखना है कि इसका FRP अनलॉक हुआ कि नहीं। चलिए तो चलिए दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि इस मोबाइल का FRP अनलॉक हुआ है कि नहीं। चलिए हम इस मोबाइल को ऑन करते हैं। मोबाइल को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लें और देख लें इस मोबाइल को कि इसका FRP अभी अनलॉक हुआ है कि नहीं UMT डोंगल से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं फिर से जो है उसी FRP मेथड पर है। तो हम यहाँ पे इसका सेटअप करेंगे और हमें देखना यहाँ पे यह है कि ये मोबाइल का FRP अनलॉक हुआ है कि नहीं है, ये हमें आगे जाने के लिए देता है कि नहीं देता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो अंत में है, लास्ट में है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।